नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हम मांस खाएं या ना खाएं, यह लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध बताते हैं और कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते हैं। आज के समय में शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को निर्दयी और नरकगामी बोलते हैं, जबकि मांसाहारी लोग शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाला कहते हैं और कमजोर बताते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी की लड़ाई तब बाहर निकल कर आती है जब भगवत चर्चा होती है, यानी क्या भगवान की पूजा या अनुष्ठान के समय या उस दौरान मांसाहार करना चाहिए या नहीं। कहीं भगवान इससे नाराज तो नहीं होंगे या उनकी पूजा में किसी तरह का पाप तो नहीं लगेगा। इसी का उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। हम इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि हमें घास खाना चाहिए या मांस। हमारा विषय यह है कि क्या भगवत मार्ग पर मांसाहार करना चाहिए या नहीं। दुनिया के किसी भी धर्म या संप्रदाय में मोक्ष और वैराग्य की बात कही जाती है, मतलब मरने के बाद की दुनिया, स्वर्ग नर्क, हेल हेवन, जन्नत दोजक इत्यादि के बारे में कहा जाता है या निर्वाण के बारे में कहा जाता है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं मरने के बाद, इसलिए अच्छे कर्म करते हैं और सबसे जरूरी है अपने धर्म में या अपने धर्म के भगवान की पूजा करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करने वाले शाकाहारी हो या मांसाहारी, इस पर बहुत ज्यादा बहस रहती है। मुझसे सैकड़ों बार यह प्रश्न पूछा गया है कि हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, शिव तांडव स्त्रोत या अन्य पाठ करते समय, यानी ये पाठ लगभग 30-40 दिन के होते हैं, इस दौरान अंडा या मांस खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको काफी क्रेविंग होती है इन सब चीजों को खाने की, और वह सिर्फ इसलिए इस अनुष्ठान को नहीं कर पाते क्योंकि वह मांस या अंडा खाना नहीं छोड़ सकते। इस सवाल का उत्तर भी आपको आगे मिल जाएगा। शाकाहार और मांसाहार, यानी वेज और नॉन वेज, दोनों प्रकार की चीजें मनुष्य के भोजन में सदियों से शामिल है। जीवित रहने के लिए और ताकत बनाए रखने के लिए रोजाना भोजन की आवश्यकता होती है। हमारी पाचन क्रिया शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम है। हमें भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। किसी भी तत्व की कमी होने से हमारे अंग कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। कुछ लोग शाकाहार को श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ लोग मांसाहार को ज्यादा ताकत देने वाला समझते हैं। वैसे तो इंसान मूल रूप से न तो शाकाहारी है और न ही मांसाहारी, वह सर्वहारी है। वह मांस और फल दोनों को पचा सकता है। वह कच्ची घास नहीं पचा सकता, लेकिन कच्चा मांस कुछ मात्रा में पचा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य मांसाहारी हुआ, पर वह मांसाहारी जीवों से एक कदम आगे है। वो फल, अनाज, कंदमूल इत्यादि भी पचा सकता है। हम मनुष्य समाज में रहते हैं, हम विकसित हैं और हमने जाना कि सही भोजन क्या है, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो जंतु प्रोटीन और शाक दोनों से मिलती है। प्राचीन काल में भी यह किया गया और उन्हें पता चला कि जंतु प्रोटीन भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने शाकाहार के साथ साथ एक जंतु प्रोटीन लेने को कहा जिसमें किसी भी तरह की हिंसा न हुई हो, यानी वह प्रोटीन हिंसा से प्राप्त ना हुआ हो, और वह है दूध। इस समय एक और प्रजाति है जो खुद को वीगन कहती है। ये लोग दूध नहीं पीते क्योंकि यह जंतु द्वारा प्राप्त होता है। ये लोग अहिंसा के एक स्तर और ऊपर उठ जाते हैं, वे अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। अगर शाकाहारी लोग अपने आप को मांसाहारी से ऊपर मानते हैं तो मैं वीगन लोगों को शाकाहारियों से भी ऊपर मानता हूँ। मैंने भी एक समय वीगन बनने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं शाकाहारी ही बना रहा क्योंकि दूध से निर्मित चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे खानी ही पड़ जाती थी। बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो शाकाहारी हैं, लेकिन उनके यहाँ पर मांस चढ़ता है। असम में कामाख्या देवी का मंदिर है, वहां पर शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है, पर जब मांसाहारी भोजन भी बनता है, यानी मछली और बकरा, तो ऐसी स्थिति में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। काशी, आज की वाराणसी, वहां पर बटुक भैरव का
मंदिर है और कहा जाता है कि स्वयं महादेव वहां पर विराजमान है। सर्दियों के विशेष दिनों में उनका त्रिगुणात्मक श्रृंगार किया जाता है। सुबह के समय बटुक बाल रूप में शिव जी को कॉफी, चॉकलेट और बिस्कुट दिए जाते हैं। दोपहर के समय राजसी रूप में उनको चावल, रोटी, सब्जी का भोग लगाया जाता है और शाम के समय महाआरती के समय भैरव रूप में मटन करी, चिकन करी, मछली करी और ऑमलेट तथा साथ में मदिरा का भी भोग लगाया जाता है। इसी तरह उड़ीसा में विमला देवी का मंदिर है, यहाँ पर मांस तथा मछली चढ़ाया जाता है। इसी तरह दक्षिणेश्वर काली में भी मछली का भोग लगाया जाता है। दोस्तों ये तो हो गए देवता, लेकिन आपने कई ऐसे भक्तों की कहानी सुनी होगी जो मांसाहारी थे या सर्वहारी थे और उन्हें देव दर्शन हुए और मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। भगवान विष्णु के भक्त सदन कसाई की कहानी अक्सर सुनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें भी उसी तरह चैन नहीं है जिस तरह से उनके भक्तों को चैन नहीं होता उनका नाम लिए बिना। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में सदन के पास हमेशा विराजमान रहे और तो और वह उसी पत्थर से मांस तोला करता था। आपने शिकारी चित्रभानु की कथा सुनी होगी जो महाशिवरात्रि पर सुनाई जाती है। इसमें एक शिकारी रात भर हिरण का शिकार करने के लिए पेड़ पर बैठा रहता है और एक एक करके उसके सामने तीन हिरण आते हैं और वह सबको दया भाव के कारण छोड़ देता है। साथ ही वह अनजाने में शिवलिंग पर पूरी रात बेलपत्र चढ़ाता है और भोजन ग्रहण नहीं करता। ऐसा करने से वह शिकारी जो मूल रूप से मांसाहारी ही होते हैं उसको भी शिवधाम की प्राप्ति होती है। अब आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी। हमारी भक्ति और श्रद्धा मायने रखती है, हमारा समर्पण हमारे ईष्ट देव के प्रति मायने रखता है, हमारी खाने पीने की आदत के कारण हमारी भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। दैत्य, दानव, राक्षस ये सब भक्ति के पात्र थे। यदि ऐसा ना होता तो राजा बलि पाताल के राजा ना होते और अमर ना होते। भक्त प्रहलाद जो सीधे सीधे दैत्य कुल में जन्म लिया था उसको भगवत प्राप्ति न होती। रावण को भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं मिलता। इस बात पर फोकस करने की बजाय अपनी भक्ति पर फोकस करें तो आपको निश्चित ही आपकी द्वारा की गई साधना सफल होगी। अब मैं आपको अंत में एक मजेदार बात बताता हूँ। कई लोग जो मांसाहारी थे और भगवान की भक्ति में लीन हो गए, धीरे धीरे वो सब शाकाहारी बन गए, यानी अगर वो चाहेगा तो आपको शाकाहारी बना लेगा। अगर आप शाकाहारी हैं और आपका मांस खाने का मन करता है तो खाओ, भगवान उसका बुरा नहीं मानेगा। हाँ, आपका समाज और आपका शरीर इस चीज का बुरा मान सकता है। अंत में यदि आप मेरी ओपिनियन पूछें तो मैं तो यही कहूंगा कि शाकाहारी बनिए, ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।